हिमाचल वाली मत मेरी माई गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ पहाड़ एंड फूड एंड ट्रेवल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जिस तरह से देख सकते हो आपकी, मैं जिम आ चुकी हूँ और आजकल मैं जिम में वेट ट्रेनिंग से ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद बस स्टार्ट कर देती हूँ लाइक वेट ट्रेनिंग। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज फिर आपसे। भूख लग गई थी, मैंने अभी जस्ट शॉवर लिया था, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे पोटैटो बाइट्स बनाए हैं और साथ में मैंने चिकन सीख कबाब बनाए हैं और यहाँ पे बॉयल्ड एग्स हैं, ठीक है। और साथ में मैंने लिया सॉस, ये है बारबेक्यू सॉस और ये है स्वीट अनियन सॉस। और ये वाली सॉस मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा लगता है। जब भी मेरे को कोई स्नैक खाना होता है लाइक चिकन कबाब से रिलेटेड, कबाब्स जो भी हैं उनसे रिलेटेड खाना होता है, तो मैं ये वाली सॉस बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो चलो मैं जा रही हूँ खाने के लिए, मेरे को लगी है बहुत ज़रूर की भूख। तो गाइज आज मार्केट के बहुत सारे काम हैं, तो मैं स्मायरा के साथ निकली हूँ मार्केट। बस छोटे छोटे काम पड़ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको पता ही है जैसे मार्केट में। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ और बस यहाँ से अपना सामान वगैरह पिक करूँगी और हर जगह की व्लॉगिंग तो मैं कर नहीं पाऊँगी बिकॉज बहुत सारे काम हैं मार्केट के। तो जो भी छोटे मोटे क्लिप्स हैं मैं वो ऐड कर दूँगी अपने वीडियो में। बट ये है कि आज यार सीरियसली इतनी ज़्यादा वाली धूप और गर्मी है ना कि लाइक बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मतलब दिल नहीं कर रहा था कि आज घर से बाहर भी निकलो, बट फिर भी काम तो होते ही है ना। और सारे काम आफ्टरनून में कर लिए जाए तो लगता है कि चलो ठीक है, विंटर्स होती है ना तो विंटर्स में आप आफ्टरनून में भी निकल जाओ तो फिर ठीक रहता है। बट समर्स में यार आंखों को चुभती है, ड्राइव भी नहीं कर पाती हूँ मैं, इतनी शार्प धूप होती है। सो फिर भी निकल आई थी। और बिकॉज अभी क्या है कि शाम को यार क्राउड हो जाता है आजकल बहुत ज़्यादा, तो मेरे एक्चुअली सिटी के बीच में ही सारे काम थे। तो जो हमारा एरिया है वहाँ से बस कुछ किलोमीटर्स, क्योंकि हमारा सेंटर में है यार बिल्कुल एरिया, तो उसके आसपास ही हैं सारे एरियाज़। तो फिर भी यार काम आजकल ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, इसकी वजह से काफ़ी बार क्राउड हो जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि या अर्ली मॉर्निंग नहीं मतलब 12 o'clock से पहले पहले काम कर लिए जाएँ या 12 o'clock आफ्टरनून में। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम, कुछ स्वीट्स लेनी थी मुझे घर के लिए। तो अभी मेरा ना गोलगप्पे खाने का मन कर गया था, तो मैं सोच रही थी कि गोलगप्पे खा लेती हूँ और चाट पापड़ी पैक करा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी वाली भूख लग गई थी। तो मैं स्मायरा को लेके आई थी यहाँ पे और फिर मैंने कहा यहीं पे खा लेते हैं गोलगप्पे, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ठीक था। शॉप के अंदर ही गए थे क्योंकि एसी वेसी ऑन था, तो आउटसाइड से मैं अभी वैसे भी ऐसे नहीं खाती हूँ स्टॉल वगैरह से, बिकॉज यार आपको पता ही है फिर से कोरोना वापस आ गया है। तो फिर हमने कहा कि चलो गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं कुछ चाट वाट, और मैं कुछ पैक भी करवा दूँगी घर के लिए छोटी छोटी मतलब चीज़ें। लाइक मेरे को ना कचौड़ी खाने का मन कर रहा था आज, तो मैं शाम को जाऊँगी चाय वगैरह पीऊँगी और चाय के साथ कचौड़ी खाऊँगी। तो मेरी पर्सनल फेवरेट है आलू और प्याज वाली कचौड़ी, है ना। तो अभी मैं और स्मायरा यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे अपने गोलगप्पे।
फोकस करो क्या मैं फेस पे देखो आनी मैं चुच्ची 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 का फेस देखो चलो चलो हटो। मैं लाई हूँ आलू प्याज की कचौड़ी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को दाल वाली कचौड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती, सबकी अपनी चॉइस होती है, बट मेरे को आलू और प्याज वाली कचौड़ी बहुत यम्मी लगती है। और आज मेरा कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा था तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। यहाँ अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है यार, तो आज मेरे को खाने का मन कर रहा था। बाकी मेरे को बहुत काम था यार, आज डिश वॉशर का सामान लेके आना था क्योंकि मैं इसका सॉल्ट हो चुका था फिनिश, तो फिर मैं सोच रही थी कि सॉल्ट लेके जाती हूँ। तो बस विदाउट सॉल्ट तो यार यूटेंसिल्स बिल्कुल क्लीन नहीं होते। और एक मैं लाई हूँ डिश वॉशर क्लीनर, और मेरी मशीन भी इसी ब्रांड की है तो IFB की, तो हाफ़ से मैं डिश वॉशर क्लीन करूँगी और हाफ से मैं अपनी मशीन क्लीन करूँगी। यहाँ पर शाइनर है, वह शाइनर लेके आ गई थी और 2 सॉल्ट लेके आ गई थी। बाकी चेक करती हूँ डिटर्जेंट पड़ा हुआ है ना अभी। हाँ यस, डिटर्जेंट तो है अभी पड़ा हुआ, ये तो पूरा भरा हुआ है, ये हाफ हो गया है, 2 शाइनर्स भी हैं। एक्चुअली यार विदाउट ना पूरा जब तक सामान ना हो ना, ये फिनिश हो गया था एक्चुअली, बाई चांस ही हो गया, मेरा माइंड से पता नहीं कैसे स्किप हो गया, पर चलो आ गया, बहुत रश था। आपकी बोनू है यहाँ पे। अच्छा जी, बोनू चाहिए, बोनू बोनू चाहिए, बोनू। अच्छा आप बोनू, आपको मामा का हैंड खा जाओगे अगर ऐसे ही किया आपने तो। ऐसी ऐसी कौन करता है, ऐसी कौन करता है। ओ माय गॉड, टीथ देखो, डॉबरमैन के टीथ देखो, डॉबरमैन के। ये तो मैं, मेरे को मम्मा समझता है इसलिए कुछ बोलता नहीं है, नहीं तो ये डॉबरमैन। अले 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 चुची, देख रही हूँ मैं बेडरूम में बैठी। आपने क्या काम किया पीछे से बताओ, क्या काम किया। हाउ हाउ, चाय बना दो यार, शाम हो गई है। डब्बू प्लीज, मम्मा के लिए चाय कौन बनाएगा, डब्बू। क्या बोल रहे हो, अगर तूने बोनू चोरी किया इसका नो, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके टमी में प्रॉब्लम हो जाती है। टमी देखो आज मेरे चुच्चा चुच्चा चुच्चा। अरे क्या वो घर से बाहर नहीं जा सकती, किस बात का गुस्सा है, किस बात का गुस्सा है। मम्मा थोड़ी देर के लिए गई थी काम के, मार्केट के काम भी होते हैं यार। यार डब्बू इतना नहीं, चिल चिल चिल। अब देखो दोनों ना, दोनों की फाइटिंग शुरू। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नो फाइटिंग गाइस, इनकी तो अब शुरू हो गई है स्टोरी। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। क्या हो, क्या कहना चाहते हो कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ मार्केट से। नहीं मैं रोज रोज आपके लिए मार्केट से रोज रोज कुछ ना कुछ लेके आऊँ। क्यों भाई, आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी ट्रीट्स हैं तो मैं क्यों लाऊं। है बिस्किट दूं, बिस्किट खाने हैं आपको, अपने बिस्किट बिस्किट। अच्छा दे रही हूँ, दे रही हूँ। अच्छा डरा रहे हो मेरे को, डरा रहा है ये। चुच्ची बहुत खराब हो गई आज, चुच्ची गुस्से में आज। चुच्ची किसने खाई है गाइस, ये मैं आज आई ड्रॉप्स लेके आई हूँ। और मैक्सू ने
बेड पे रखी हुई थी, मैं उठाना भूल गई थी। ये किसने खाया इसको? क्या किया ये, क्या किया किसने किया? हो मम्मा की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइस ये देखो आप हाल देख सकते हो क्या किया है, सारा कैप खा लिया है, अंदर की आई ड्रॉप सिर्फ वन ड्रॉप रह गई है, बाई चांस देख लिया था। चुची आपने नहीं किया, मैक्सू ने देखो आई ड्रॉप खा ली। क्या करूँ मैं इन बच्चों का, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ मैं। जैसे कि मैं घर आ गई हूँ वापस और इवनिंग के हो रहे हैं 7 o'clock और आते ही मैंने रेस्ट किया पहले, थैंक गॉड आज लाइट थी और मैं आते ही बस एसी चलाया और बैठ गई। और यार गई भी मैं आफ्टरनून के टाइम में थी और आफ्टरनून में आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, लेकिन ये था कि कार के अंदर होते हो तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि हाँ बाहर गर्मी है या कुछ है, लेकिन कार से बाहर निकलते ही तो यार मतलब इतनी हालत ख़राब हो जाती है। बट फिर भी मैं फटाफट गई, मैंने मार्केट के सारे काम किए और सुमायरा को कार में बिठाए रखा, डिशवॉशर का सॉल्ट फिनिश हो गया था जैसे कि वो लेने जाना था, और अभी तो किचन की हालत ख़राब है, मतलब यूटेंसिल्स सुबह से हुए नहीं है, तो अभी डिशवॉशर लगाऊंगी फटाफट से, और क्योंकि पहले सॉल्ट वगैरह डालना पड़ेगा और अगर मैं सॉल्ट वगैरह डालूंगी थोड़ा सा डिशवॉशर क्लीन करके, देन उसमें यूटेंसिल्स को असेंबल करना पड़ता है, और पहले तो जो पहले के यूटेंसिल्स हैं उनको एम्प्टी करूंगी, फिर जो दूसरे यूटेंसिल्स हैं उनको मैं असेंबल करूंगी उसमें डिशवॉशर में, और उसके बाद फिर कुछ लाइट सा बनाऊंगी। आज मैं आज सैटरडे है वैसे भी, और एक्चुअली क्या था कि 2 days की हॉलीडेज आ रही है, संडे और मंडे की है ना, तो अभी जैसे कि मार्केट में भी मैंने गोलगप्पे खा लिए थे, कुछ कचौरी लेके आ गई थी, तो अब कुछ भी और हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, ना चपाती खाने का मन है, ना कुछ ऐसे दाल चावल या कुछ और खाने का मन है, तो मैं सोचा क्यों ना फटाफट खिचड़ी बना लूँ, तो अभी मैं तो आज सोच रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी यार आराम से, और फिर लाइट होती है ना, तो क्योंकि आज सैटरडे और मैं नेटफ्लिक्स पे अपनी कोई सीरीज़ देखूंगी, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि खाम खाम है यार अभी लाइट चली गई है, तो मेरे जो यूटेंसिल्स थे मैंने जैसे ही मैंने सोचा कि यार अब शाम होगी अब फटाफट से किचन का काम फिनिश करूँ, तो फट लाइट चली गई, पता नहीं लाइट को प्रॉब्लम क्या है, आजकल लाइट चली जा रही है, अभी जो ये लाइट चल रही है ये तो जनरेटर चल रहा है नीचे, तो जनरेटर की वजह से ये दूसरी लाइट है जिससे मशीन तो नहीं चल सकती है ना, बट मैं तब तक क्या करूँगी कि मशीन में से बर्तन निकाल लेती हूँ और जो दूसरे वाले बर्तन हैं इनको असेंबल कर देती हूँ है ना, और साथ साथ में चाय पीऊँ कि नहीं पीऊँ, मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन टी बना लेती हूँ है ना, तो ग्रीन टी ठीक रहेगी यार, क्योंकि सुबह चाय पी थी फिर वो ब्लोटिंग हो जाती है कई बार या कुछ ऐसे लाइक अच्छा नहीं लगता है ना। आज मेरे ना थ्रोट में पेन हो रही है सुबह से, लाइक सुबह से नहीं आफ्टरनून से स्टार्ट हुई थी, मुझे लगता है आज मैंने ठंडा पानी पी लिया था, क्योंकि ना यार एकदम चिल्ड वाटर पीने से भी आपके ना थ्रोट में एकदम से पकड़ लेता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार एकदम से ना, अगर दूसरा नॉर्मल सीधे डायरेक्ट आरओ का पानी पियो तो प्यास ही नहीं बुझती, और अगर फ्रिज का पानी पी लेते हो तो गला खराब हो जाता है, मतलब यार क्या है ये, कब वेदर खत्म होएगा, मैं पागल हो गई हूँ सच में इस वाले वेदर से, मैं तो सोच रही हूँ ये कब गर्मियाँ जाएंगी यार, अब 1.5 months रह गया, एटलीस्ट ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर अच्छा वाला वेदर स्टार्ट हो जाएगा, मेरा फेवरेट विंटर्स का वेदर। तो चलो गाइज यार पता है क्या करते हैं फटाफट से ना, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, और आई होप आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार ठीक है, और एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट ज़रूर करा करो यार लाइक, और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी मैं, कुछ ट्रैवलिंग वीडियोस भी होंगे वो सरप्राइज है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, और बस ये है कि अब मैं फटाफट से किचन का काम करती हूँ, तब तक के लिए शाम हो चुकी है, आप लोगों ने भी शायद अपनी चाय कहीं उन्हें ले ली होगी, कहीं लेट पीते हैं कोई जल्दी पीते हैं, तो आप लोग भी अपनी शाम की चाय एंजॉय करो और मैं भी अपनी शाम की चाय एंजॉय करती हूँ ग्रीन टी ठीक है, तब मिलती हूँ फिर मैं। जैसे कि मैं यूटेंसिल्स निकाल के पहले ये वाले जितने भी वॉश्ड वाले यूटेंसिल्स हैं ये निकाल रही हूँ इसमें से, और फटाफट से जहाँ जहाँ पे जो यूटेंसिल होता है वहाँ पर लगा लेती हूँ इनको, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है आज मेरे को मशीन को क्लीन भी करना पड़ेगा, वैसे तो क्लीन रहती है अपने आप वॉश हो जाती है आप देख सकते हो मशीन, बट काफ़ी टाइम से मैंने थोड़ा सा इसका इसको थोड़ा क्लीन नहीं किया यार ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ आज मैं इसको क्लीन कर ही लेती हूँ है ना, क्योंकि अभी तो मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह भी डालना ही है, तो
कार में ही सारे काम हो जाएंगे, फिर अच्छे से आराम से यूटेंसिल्स भी क्लीन हो जाएंगे। तो चलो फिर। ये सॉल्ट होता है यार, जैसे कि मैं ना किसी दिन आपको पूरा डिशवॉशर का रिव्यू बताऊंगी कि क्या है मेरे लिए यूज़ करना बेटर है कि नहीं, कैसा लगा मुझे इसका एक्सपीरियंस। तो ये होता है सॉल्ट, और अब मुझे चाहिए इसको डालने के लिए कुछ, एक कप चाहिए। लाइक इसके साथ मैं डालूँगी 2-3 लग जाते हैं एक बार में, है ना। तो इसको यहाँ रखते हैं, और ये वाला जो इसको फैनल है इसको यूज़ करते हैं। तो हमने इसको ओपन करना है, और हम इसको ऐसे रखेंगे, और हम लेंगे सॉल्ट और हम इसमें डालते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डालते जाएंगे। स्पून ले लेती हूँ यार एक। तो इसको ना ऐसे प्रेस करना पड़ता है ताकि वो अंदर चले जाए सॉल्ट। इसमें डलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया था, और हाफ डब्बा लग जाता है यार एक बार में, तो इसको मैंने कर दिया था। और यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे डिटर्जेंट पड़ता है, ठीक है। डिटर्जेंट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसको बंद कर दिया। अब इसमें शाइनर डाल लेते हैं। तो ये रहा मेरा शाइनर, लिक्विड में होता है ये। एक तो सेकेंड तरह से शाइनर हम इसमें डाल देंगे, है ना। तो शाइनर भी डाल दिया। चलो जी, आपका काम हो गया फिनिश। अब लगा लेते हैं फटाफट से यूटेंसिल्स। देखो यार कितने ज़्यादा हो गए हैं। इसको करते हैं क्लोज। सरप्राइजिंग लग रहा है ये बोलना कि मैं अभी घर से बाहर हूँ। एक्चुअली मैंने उस टाइम डिशवॉशर तो लगा दिया था, लेकिन लाइट चली गई थी, और फिर मेरे हबी आ गए थे घर पे, और उन्होंने कहा कि लाइट तो है नहीं। तो फिर हम स्मैरा नीचे खेलने चली गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मेरा डिनर भी नहीं बन पाया था। और फिर पता है क्या हुआ, इन्होंने चेंज वगैरह किया, डबो मैक्सू को हमने इंजॉय करवाया, वो लोग घूमे, मतलब इन्होंने फुटबॉल खेला मैक्सू के साथ, बॉल खेला। और फिर हम लोग ना, ये मुझे कहते हैं कि घर में लाइट तो है नहीं, तो ऐसे करते हैं कि कार में घूमते हैं। तो हम लोग ना कार में घूमने आ गए थे, और हम इंजॉय कर रहे थे अभी कार में। तो पीछे देखो, आप देख सकते हो डब्बू और मैक्सू भी हमारे साथ हैं, और सैमू एक्चुअली अभी कहता कि हमने उसको भी बोला कि आप हमारे साथ चलो, बट सैमू ना अपनी फ्रेंड्स के साथ कहती नहीं मम्मा आप जाओ, आप मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रही हूँ। जैसे इवनिंग टाइम में होता है ना, बच्चों सारे पार्क में बच्चे आते हैं और वो सारे लोग आपस में खेलते हैं। तो हमें ना आई थिंक 1 आवर से ऊपर हो गया है, 1.5 आवर से ऊपर हो गया, और हम कार में घूम ही जा रहे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में उस टाइम लाइट, अब तो लाइट आ चुकी है, बट हमने क्या किया कि डब्बू मैक्सू को भी ले लिया, और हमने कहा कि इन दोनों को भी इंजॉय करा देते हैं, क्योंकि बहुत दिन, वो लास्ट राइड जो आइसक्रीम पार्टी दी थी मैंने इन दोनों को, उसके बाद ये आज की राइड है। तो यार ठीक है, घर में इन्होंने भी क्या करना था, तो दोनों भी पूरा इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैक्सू डब्बू, बैक वाली लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, ये देखो। और ये रहा हमारा डब्बू बेबी, देखो। हेलो बोलो चमको, हेलो। आई मम्मा को खींची कर रहे, पापा को खींची कर रहे, पापा को। ये देखो, ये रहा मेरा डब्बू बेबी, और ये रहा हमारा मैक्सू। एक्चुअली मैक्सू क्या कर रहा है कि मैक्सू को ना बड़े सारे डॉग्स दिख रहे हैं बाहर, तो उन डॉग्स को ना देख के ये बड़ा हैप्पी हो रहा है कि हाय, मतलब लाइक स्ट्रीट डॉग्स को देख रहे हैं डब्बू और मैक्सू। तो यार हमें ना बहुत खुशी मिलती है जब हम इन दोनों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे ये हमारी बेटियां हैं ना। तो हम इनको घुमाते हैं, कार में घुमा दिया, और पहले ही इन्होंने खेला, तो मतलब हमें अच्छा लगता है कि हम इनको पूरा टाइम देते हैं, और ये लोग हमारे साथ पूरा इंजॉय करते हैं। तो इनको भी फीलिंग आनी चाहिए ना कि हम अपने मम्मा पापा के साथ घूम ही कर रहे हैं, देखो कैसे पापा के साथ अपने इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तो गाइज अभी तो हम कार में ही घूमते रहेंगे थोड़ी देर, आप पता नहीं कितनी देर तक। तो
उसके बाद फिर हम जाएंगे अपना घर, देखते हैं कब जाएंगे क्योंकि अभी तो हम कार में एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो इस टाइम हो रहा है 9:15, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे, ये देखो ये हो रहा है 9:15 का टाइम। और होप आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन सा मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप सबको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक care and bye bye। ये देखो ये देखो 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 guys, आपको ये दिख रहा होगा ना, ये देखो मून है, आज इतना बिग मून मतलब निकला हुआ है और इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर यहाँ पे ना, मतलब यहाँ तो कैमरा में छोटा सा लग रहा है लेकिन हम जब इसको रियलिटी में देख रहे हैं ना तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम लोग, मैंने आपको गुड नाइट बोल दिया था लेकिन हम लोग वापस घर जा रहे हैं अभी। और सीरियसली भी तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, इतना बिग है यार देखो, मतलब सीरियसली यार, कभी 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 हाफ मून दिखता है, कभी कभी फुल मून दिखता है और इसके अंदर वाला सारा यार मून पे जाने का कान करता है ना, मैं दिल करता है मून के ऊपर अंदर जाने का। कितना ब्यूटीफुल व्यू है मून का, मेरे को सनराइज का व्यू और सनसेट व्यू एंड मून, ये सारा चीज़ें देखना बड़ा अच्छा लगता है। अब तो लाइट्स में कवर हो गया, ये देखो ये रहा मून, ये रहा